यार एसएसबी देने जा रहे हो ना, तो दो चीजें, एक तो डरो मत और दूसरा खुदा मत बनो। बच्चा इन दोनों चीजों में उलझा हुआ है, बीच में तो है नहीं। या तो पहली पहली बार एसएसबी देने यार इतना डरा हुआ है कि कुछ परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, या फिर वो इतना ज्यादा पढ़ लिख गया है, इतना समझदार हो गया है कि अपने आप को खुदा समझता है। दोनों कंडीशन में आदमी फेल हो जाता है। फेल होने से बचने के लिए क्या करना है, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस यार। यू नो वेरी वेल कि अगर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का एंट्री तो 40% लोग स्क्रीन होंगे, तो स्क्रीन हो जाओ पहले। स्क्रीन होने के बाद में आपका साइकोलॉजी, जीटीओ, इंटरव्यू, तीनों बढ़िया अच्छा प्रोसेस है। जीटीओ में क्या करना है, इसको ऑपरेशन करना है। आप अपनी टीम के साथ में रहिए, आप टीम से आगे होकर थोड़ी ना जीत सकते, आपकी टीम को जिताना है आपको, तो वहां पर ध्यान रखिए। पीजीटी, जीडी, जीपी, इन सब में यही तो होता है कि हाउ कंफर्टेबल यू आर वर्किंग विद योर ग्रुप। आपका पीयर ग्रुप है, उस ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जब आपका ग्रुप आगे बढ़ेगा आप खुद ही बढ़ जाओगे। बाकी चीजें तो कन्फर्मेटरी होती है। लेक्चरेट वगैरह में कैसे, आप जीडी की अगर तैयारी करोगे, अखबार पढ़ रहे हो, तो जीडी आपने अच्छा कर लिया है, तो जीडी अगर आपका अच्छा होगा तो आपका लेक्चरेट भी अच्छा हो जाएगा। पीजीटी में अगर आपने ग्रुप को ठीक से हैंडल किया, आपके ग्रुप को सपोर्ट किया, तो डेफिनेटली एफजीटी और ये सब हो ही जाएगा। इतना तो मुश्किल काम नहीं है। कमांड टास्क, फिर वो कमांड टास्क होते होते तो आपका डिसीजन हो चुका होता है कि आपको जीटीओ साहब क्या करने वाले, पास करने वाले, फेल करने वाले। जीटीओ क्या करता है उस पर ध्यान मत दो यार, क्योंकि वो उनका काम कर रहे हैं, आपको आपका काम करना है। जीटीओ साहब कर रहे हैं पास फेल करने का काम, आप कर रहे हो परफॉर्म करने का काम। अब हम परफॉर्मेंस छोड़ के ना पास फेल पे ध्यान देने लगते, गड़बड़ हो जाती है। तो आप ये मत सोचो कि जीटीओ साहब ने क्या बोला है क्यों नहीं बोला, जस्ट चेयरफुल मूड में रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, प्रोसेस को एंजॉय करो। सेम चीज साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में आप है ना बनी बनाई स्टोरीज को मत डालो यार। जब 12 स्टोरीज लिखना है टीएटी के अंदर, 11 ऑलरेडी पिक्चर्स दिखाई दे रही है, एक अपने हिसाब से लिखना, एक तो अपनी जिंदगी की बेस्ट स्टोरी लिख दो जो कोई अच्छा काम किया हो। बाकी 11 स्टोरीज में जो पिक्चर दिख रहा है ना, उस पिक्चर को देखने के साथ जो दिख रहा है, जो मन में आ रहा है, अच्छा अच्छा थोड़ा सा हमेशा आता ही है, तो उतना लिख दो, बस हो गया काम। WAT में क्या, ऑब्जर्वेशनल सेंटेंसेस बना के लिख डालो, रटा रटाया मत डालो यार। किसी बुक से पढ़ के जाओगे, 4 बुक से अलग अलग से वर्ड्स की तैयारी कर ली, दिक्कत हो जाएगी। आपने खुद का लिखो यार, और ये सब कहाँ से आएगा, ऑब्जर्वेशन कहाँ से आएगा, अखबार पढ़ो सब आ जाएगा। तो सर अखबार पढ़ने का बोल रहे हो, कहाँ से अखबार पढ़े? आप देखो यार, अखबार पढ़ने की बात है ना, तो क्या होता है ना इसमें कि सर कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, बेस्ट तरीका क्या अखबार पढ़ने का? कोई बेस्ट तरीका नहीं यार, जहाँ जो मन में आए वो पढ़ो यार। अगर तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता तब आप स्पोर्ट्स के पेज को पढ़ लो। आपको स्पोर्ट्स का पेज समझ में नहीं आता, आप तो बॉलीवुड हॉलीवुड की खबरें पढ़ लो, ये सब समझ में नहीं आता, पॉलिटिक्स पढ़ लो। कुछ दिन कम से हाथ में अखबार तो लो। जब हाथ में अखबार आएगा, जब चीजों के साथ में आप थोड़ा सा मिक्सअप होने लगोगे, फिर उसमें काम की चीजें आपको समझ में आने लगी। पहले दिन से कोई कहता है एडिटोरियल पढ़ो, आप एडिटोरियल घुस गए, समझ में ही नहीं आता कहाँ से चालू करें कहाँ से खत्म करें। अच्छा पढ़ोगे डेफिनेट WAT, TAT सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उसके बाद में फिर SRT है। तो SRT में क्या होता है, जो कुछ बोला जा रहा है, जो कुछ सिचुएशन तुमको दे रहा है ना, उस सिचुएशन अपने को रख के देखो, खुद को रख के देखो। अगर उस सिचुएशन में आप होते तो क्या करते, वो बेस्ट डिसीजन लेने की कोशिश करो। कभी इन्फॉर्मर इन्फॉर्मर मत बनो। सूचना दे, सूचना तो कोई भी देता है, सूचना तो फिर वो सूचना मंत्री बन जाएगा, उसको तो फिर लेफ्टिनेंट नहीं बन सकता। खुद से परफॉर्म करो, अच्छा सिस्टमेटिकली लिखो, SRT की प्रैक्टिस करो यार। बिना प्रैक्टिस के जाओगे फेल हो जाओगे, पर ज्ञान भी मत बांटो ज्यादा जबरदस्ती का, नए नए काम नहीं करना। बोले SD है, खुद के बारे में खुद को पता है। आपको नहीं पता आपके माता पिता आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम जब से पैदा हुए तब से माता पिता के साथ ही रह रहे हैं, जब से स्कूल जाने लगे टीचर्स के कांटेक्ट में हैं, फ्रेंड सर्कल हमारा है ही अच्छा, तो सब सब आपको सब पता है। देखो आपसे ज्यादा आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, तो तुम्हें पागलपना मत करा करो कि सर इसमें क्या लिखूँ उसमें क्या लिखूँ। हाँ समटाइम्स वर्ड्स नहीं आते, आइडियाज नहीं आते, प्रैक्टिस करो हो जाएगा यार, ना मुश्किल नहीं है। बाद में बात आती है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू तो इससे सिंपल कोई चीज ही नहीं, वो पूछ क्या रहा है आपसे, कोई अंताक्षरी तो खेल नहीं रहा है आपसे। आप ध्यान दीजिए, हर प्रश्न छोड़ा गया, प्रश्न का क्वेश्चन का रिएक्शन नहीं देना है, रिस्पॉन्स देना है। वो जानना चाहता है आपसे, आपके सवालों के थ्रू आपको जज करना चाहता है। देखिए वो भी इंसान है, उसके पास भी कोई पैरामीटर नहीं है, ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि वो आपको पूरा जज कर डालेगा, ठीक है ना। और ऐसा भी उसके पास थर्मामीटर नहीं कि आपसे सब कुछ उगलवा लेगा यार। थोड़े से आप बस अपने आप को संभाल के रखिए। और सिंपल क्वेश्चन है, PIQ फॉर्म है, PIQ फॉर्म में सब कुछ लिखा है ऑलरेडी, जो वहाँ लिखा है उस जो आपने आपके पेन से लिखा है। सोचिए PIQ फॉर्म जो है ना, उस PIQ फॉर्म में सब कुछ एक तो प्रिंटेड होता है, दूसरा उसमें खाली पोर्शन होता है, जो खाली पोर्शन होता है उसमें आपको हाथ से लिखना होता है। जो जो चीज़ आपने अपने पेन से लिखी है ना, उस हर चीज़ के 3 क्रॉस क्वेश्चन तैयार कर लो, बस हो गया काम। फैमिली के बारे में सब कुछ पढ़ लो। बच्चा क्या है, फैमिली के बारे में बोलता है, पेरेंट्स के बारे में बोल देता है, फादर के बारे में बोल देता है, मदर के बारे में नहीं बोलता, फादर मदर दोनों के बारे में बोल देता है, तो ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में नहीं बोलता। भाई बहन के साथ उसका माहौल अच्छा नहीं है, तो वो वहाँ पर गड़बड़ रहे। सब अच्छा करो यार, अच्छे बच्चे बनो। परिवार में अगर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है, तो फौज में भी आपकी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है, पर अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाओ। तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं या बहुत सारे या दोस्त नहीं है, तो वो भी सब आपको ही पता है क्यों आपके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं और क्यों तो आपके दोस्त नहीं है। एवरीथिंग आप जानते हो। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब बच्चे क्या करते, कसम खा लेते, नहीं सर मेरे को तो फौज में ही जाना है। भाई वो ऑलरेडी पूछ रहा है आपसे कि व्हाट इज योर फ्यूचर करियर ऑप्शन, आपके क्या प्लान है। क्योंकि जितने बच्चे एसएससी देने जा रहे हैं, सबका तो रिकमेंडेशन हो ही जाएगा, सबके सब तो अफसर बन नहीं जाएंगे। तो आपके पास में एक सॉलिड प्लान होना चाहिए। तो सॉलिड प्लान जो भी आपने कुछ सोचा है, जो कर रहे हो,
जो कर रहे हो उसको सिस्टमेटिक तरीके से प्रस्तुत करो। कोई भी काम करना गलत थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी होता है कि जो बी बीटेक कर रहा है वही सुपीरियर है। यार भाई जो बीए कर रहा है, बीए वालों की भी जरूरत है यार। समाज को चलाने के लिए ह्यूमैनिटीज पढ़े लिखे के लोगों की भी जरूरत होती है। तो ऐसा जो कुछ कर रहे हो ना, उसको पता कर लो कि सिस्टमेटिकली है कैसे, क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आप अपने आप को ठीक से, और अगली बात है कि फिर आप इतना सब कुछ पूछ लिया आपसे, आपका फैमिली पूछ लिया, एजुकेशन पूछ लिया, तो आपके हॉबीज और इंटरेस्ट बता दो यार। हॉबी इंटरेस्ट मान लो है, नहीं है ही नहीं, तो झूठ मत बोलो यार। जबरदस्ती कोई काम किया ही नहीं है तो उसको जबरदस्ती मत बताओ। भाई डायरी लिखना और ये सब फालतू बकवास बंद करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। जो है वो सो लिख दीजिए। उसके बाद में बात आती है फिर कि अब इसके आगे क्या, तो भाई करंट की न्यूज़ है, क्या न्यूज़ चल रही है, क्यों चल रही है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। वही वापस से बात आती है, अखबार पढ़ोगे तो सब पता रहेगा। फिर जिस फौज में जा रहे हो उसमें जाने का मोटिवेशन क्या है। मोटिवेशन बड़ा पार्ट है। ऐसा तो नहीं कि आदमी सिर्फ बाहरी चकाचौंध को देख करके अंदर घुस जा रहा है, और वहां पर काम करने को जब आपको करना पड़ेगा तो आप शायद ना कर पाओ। तो काम तो करना ही, ऑलरेडी सब करेंगे काम। तो उस डिफेंस फोर्स में जाने का आपका मोटिवेशन थोड़ा सा जो है वो तय हो जाए। अगर आपके फौज में आपका बैकग्राउंड फौज वाला है, तो आपके आप किन से इंस्पायर हैं, वो किस फौज की किस बटालियन में थे, किस रैंक से रिटायर हैं, सब पता होना चाहिए। मतलब बहुत मुश्किल काम नहीं है, पर देखो मैं कह रहा हूँ बहुत मुश्किल नहीं है तो आसान भी नहीं। जब कॉन्फ्रेंस होता है तो कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ सब कुछ है भाई। देखो वहाँ एसएसबी के दौरान जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर सब कुछ इंपॉर्टेंट है तो हर एक चीज में अपने को सिंसियरिटी के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो इतना कर लिया तो फिर क्या बचा यार। अब आपके सिलेक्शन की खुशखबरी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में देखना चाहूंगा। अच्छे से पढ़िए, मस्त रही, बिंदास रही, जरूरत लगे तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।